हीरो से नहीं बल्कि खतरनाक विलेन से हुआ इस एक्ट्रेस को प्यार, आज भी दिखती है बेहद खूबसूरत। दोस्तों, बॉलीवुड टीवी जगत में ऐसे कई सितारे हैं जो साथ काम करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ को साथ काम करते करते एक दूसरे प्यार भी हो जाता है। टीवी जगत में शूटिंग के दौरान एक्टर और एक्ट्रेस के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन खूबसूरत एक्ट्रेस कृतिका सिंगर की कहानी इन सबसे अलग है। बता दें कि यहाँ जिस अभिनेत्री की बात हो रही है वे है कृतिका सिंगर ने। बता दें कि कृतिका टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री है, इन्होंने कई बड़े शो में काम किया है। बता दें कि साल 2013 में कृतिका में फादर गॉडफादर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज धीर थे। शूटिंग के दौरान पंकज धीर के बेटे निकितन धीर भी आया करते थे। उस दौरान कृतिका और निकितन की धीरे धीरे दोस्ती होने लगी और फिर प्यार हो गया। दोनों ने जल्दी ही रिश्ते को स्वीकार करते हुए साल 2014 में एक दूसरे से शादी कर ली थी। बता दे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कसम तेरे प्यार की जैसे कई सुपरहिट शो में कृतिका ने काम किया है। इन सभी शो में कृतिका ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उसी प्रकार कृतिका की प्रेम कहानी भी काफी अलग है। बता दें कि निकितन धीर एक अभिनेता है जो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में खतरनाक विलेन के किरदार निभाते हैं और उनके विलेन के किरदार को काफी पसंद किया जाता है। हाल ही में कृतिका मुंबई के ताज होटल में एक इवेंट में पहुंची। इस इवेंट के दौरान कृतिका ग्रीन कलर के लहंगे में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत नजर आ रही थी। कृतिका के इस इवेंट की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और फैंस को बेहद पसंद आ रही है।